Thank you very much. And sir, just to mention, Yusuf India mein nahi tha, we had a few countries abroad, jo foreign city countries the, jaise hamare saath Mrs. USA hain, to unhone bhi wahi kiya. And sir ne jury sab jagah bithai thi on the 4th of June, and everywhere we had this wondrous selection process. Shukriya ji. Alicia, आजकल शादीशुदा औरतों के लिए एक नया प्लेटफॉर्म मिल रहा है, इस नए प्लेटफॉर्म के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? जैसे हमने कहा था कि शादी होने के बाद हम अपने ड्रीम्स को भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा ऐसा कल्चर है कि हम अपने आप को थोड़ा सा पीछे डाल देते हैं और हमारे फैमिली मेम्बर्स को आगे रख देते हैं. पर अभी थैंक्स टू सोशल नेटवर्किंग एंड थैंक्स टू सो मेनी अपॉर्चुनिटी, दे आर रियलाइजिंग कि हम दोनों कर सकते हैं. वी कैन मल्टी टास्क, वी आर वेरी गुड इन मल्टी टास्किंग. वी कैन ऑल्सो फुलफिल आर ड्रीम्स वाइल यू लुकिंग आफ्टर आर फैमिली. सो उसके लिए हमें प्लेटफॉर्म चाहिए, और जब प्लेटफॉर्म के ऑप्शन आ रहे हैं, वाई नॉट. थैंक यू Himanshu ji, we did also love to thank you by the time for your questions searching. Thank you so much. Any more questions, people? Janta bhai. Hello. What is your criteria to choose a candidate? What is your criteria to choose a candidate? Our criteria is basically ye dekhna hai humne ki ek aurat, उसकी सिर्फ ब्यूटी ब्यूटी नहीं है, इनर ब्यूटी है, और वो आगे इस टाइटल को लेके आगे सोसाइटी और कम्युनिटी में क्या अपना योगदान दे सकती है. यस, एंड हम चाहते हैं कि जो भी विनर हो, वो एक ऐसी रोल मॉडल हो कि हिंदुस्तान की, भारत का जो हमारा झंडा है वो देशों देशों में लहराए. हम वैसे ही, जैसे कहते हैं भारत शक्ति नारी है, वी आर वेरी पावरफुल, और हम सब कुछ, जैसे अलीशा ने कहा कि हम मल्टीटास्किंग कर सकते, तो हम सिर्फ इनर ब्यूटी नहीं है, ओवरऑल पूरा अंदर बाहर क्या है क्या नहीं है वो सब हम मद्देनजर रख के विनर चुने. एंड इट्स गोइंग टू बी अ वेरी, इट इज एन इक्वल अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म. यहाँ हमने ये नहीं देखा है कि कोई छोटा है बड़ा है, ये है कुछ नहीं, कोई भी रिलीजन. सो दैट्स व्हाई इट इज एन इक्वल अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म फ्रॉम द किचन टू द रैंप, एंड वी वांट टू गिव देम द बेस्ट. दैट इज व्हाई वी सिलेक्ट, दिस इज द टीम हियर, सो दैट ये एक उनका जिंदगी का, हर औरत चाहती है कि वो रैंप चले, हर किसी का सपना होता है, और हम चाहते हैं कि ये उनका सपना पूरा करें, ताकि वो ता उम्र याद रखे कि भारत आइकॉन में हमने भी लिया था, अपने बच्चों को भी कह सके. सो वी वॉन्ट टू गो ऑल द वे विद देम. एक क्वेश्चन अखिल जी से. अखिल जी, आपने देखा होगा कि जिस तरह के ये इवेंट्स होते हैं उसमें जूरी पे बहुत ध्यान दिया जाता है, जो जजेस होते हैं, तो यहाँ आपने खुलासा नहीं किया अभी तक कौन जजेस होंगे आपके. कोई हमारे ग्लैमरस लाइन में से भी कोई? डेफिनेटली श्योर श्योर. बॉलीवुड का तड़का तो है, ये तो ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है, थोड़ा सा सेकंड ट्रेलर के लिए वक्त दीजिए. किचन से रैंप पे तो हमें तड़का तो देना ही है. डेफिनेटली डेफिनेटली वी हैव द बॉलीवुड तड़का. ओके, थैंक यू जनता भाई. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर मीडिया. में एक बहुत डिफरेंस है एक आदमी की लाइफ में और एक औरत की लाइफ में, लेकिन इसमें बहुत चेंजेस आ रहे हैं. आई थिंक औरतें बहुत जागरूक हो रही हैं और वो स्टेप आउट कर रही हैं, और वो कोशिश कर रही हैं कि वो ये सोच से बाहर निकले कि क्योंकि शादी हो गई है तो उनकी आधी जिंदगी खत्म हो गई है. वो भी चाहती हैं कि वो भी सिर उठा के जिए, और आई थिंक उनको हर हक है वो करने के लिए. इसके ऑडिशन कहाँ थे? पूरे इंडिया में भी हुए थे और कुछ इंटरनेशनल कंट्रीज में भी हुए हैं.
हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया से भी एक लेडी चूज हुई है और आई थिंक पेरिस से भी एक लेडी चूज हुई है. आपके डिजाइन की बात करें तो फेस पे क्या क्या नया आने वाला है? इस शो में हम एक स्पेशल राउंड कर रहे हैं, वो वुमेन ऑफ सब्सटेंस राउंड होगा, जिसमें हम काफ़ी औरतों को चला रहे हैं जो ऑलरेडी अराइव हैं और जो ऑलरेडी वुमेन ऑफ सब्सटेंस हैं. तो मैं वो एक राउंड कर रहे हैं, तो उसके लिए हम एक कलेक्शन शोकेस करेंगे, वो औरतें चलेंगी. और उसके अलावा जो बाकी इस शो में शोकेस होने वाला है उसको भी मैं क्यूरेट कर रही हूँ, सुपरवाइज कर रही हूँ बाकी डिज़ाइनर्स जो काम कर रहे हैं. और एक लहंगे का कलेक्शन होएगा और एक गाउन्स का होएगा. हमने लहंगे इसलिए रखे हैं बिगनिंग राउंड में क्योंकि सब शादीशुदा औरतें हैं और हमारे इंडिया में जब शादी होती है तो इसेंशली हम लहंगा ही पहनते हैं. सो वो भी बहुत सब खूबसूरत राउंड्स होंगे. सो आई थिंक इट विल बी वेरी नाइस. हम ये बोल सकते हैं कि आज वापस कुछ नहीं आ रहा है, ये बोल सकते हैं जी? ये वुमेन ऑफ सब्सटेंस राउंड एक डिफरेंट राउंड है जो हम पुट टुगेदर कर रहे हैं इस दफा और आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग होगा. सो लाइक आपने सब कुछ बता दिया, मिस्टर अखिल जी मेरे पास आए थे और उन्होंने बोला कि वो ये शो पुट टुगेदर कर रहे हैं और वो चाहेंगे कि मैं उनको कुछ असिस्ट कर लूँ इसमें. मुझे ये बहुत खूबसूरत कंसेप्ट लगा क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि जैसे ये बोल रहे थे मैरिड लेडीज़ को अपॉर्चुनिटी मिलनी ही चाहिए, तो वो सोच करके मैंने बोला हाँ मैं डेफिनेटली इसमें पार्टिसिपेट हेल्प करूँगी. और हेल्प के दौरान एक चीज़ जो मैंने की है, मैंने मेरे मेकअप लुक्स पुट टुगेदर की है सारी पार्टिसिपेंट्स की ताकि वो खूबसूरत लग सकें. फिर मैंने ये ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बनाए हैं जो मुझे लगता है कि एक्चुअली एजुकेशन में तो सब कुछ है ना. एक लड़की जो वेल ग्रूम्ड है और एक लड़की जो कम ग्रूम्ड है, उन दोनों में फ़र्क तो एक ही होता है ना कि एक ने सीखा है ग्रूमिंग और एक ने नहीं सीखा है. तो अगर सिखाया जाए तो हर लड़की बेस्ट फुट फॉरवर्ड रख सकती है. तो ये ट्रेनिंग के लिए मैंने कुछ मॉड्यूल्स वगैरह किए हैं और ये जो है मॉड्यूल्स लड़कियों को सिखाए जाएंगे एंड आई थिंक दे विल एंजॉय इट अ लॉट the modules or the training. So there are different modules on how do you do the right introduction, how do you talk right, how do you talk with confidence. सब चीज़ें जो हमें कंटेस्ट में तो ज़रूरत है ही, पर अदरवाइज हमारे डे टू डे लाइफ में भी ज़रूरत है इन चीज़ों की. इट्स ऑलवेज नाइसर टू पुट अ बेस्ट फुट फॉरवर्ड वेदर यू आर अ गर्ल और फाइनली जो 31 कंटेंडेंट है मैम, उन्हें क्या टिप्स देना चाहेंगे? कॉन्फिडेंट रहिए और ट्राई एंड बी योर सेल्फ एंड बिलीव इन योर सेल्फ दैट यू कैन विन इट एंड यू विल. थैंक यू. थैंक यू. मेरा नाम और मैं शादी के बाद हम अपने ड्रीम्स को भूल जाते हैं, हम अपने फैमिली को आगे रखते हैं. पर ये वो एक प्लेटफॉर्म है जिनका उनको रियलाइज करेंगे कि यू कैन बी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एंड दिस इज वेरी गुड एंड एक्सपीरियंस कम शो में 31 जो कंटेंट है इन 20 हस्बैंड्स पर जो उनके फैमिली का कितना बड़ा हाथ होना चाहिए. टू इन वन होता है, एक हाथ दाल के मजबूत है, एक कैसे चलना है और उनका पैरों का तालमेल, अपर बॉडी को कैसे रखना है वो सिखाती हूँ. इससे ज्यादा माइंड सेट की आपको एंजॉय करना है, अगर आप एंजॉय करोगे तो आपका वो एक्सप्रेशन भी ऑल ओवर इंडिया से कंटिन्यूअस हो चुका है. अभी आगे किस चीज का इसको थोड़ा बता दीजिए. अभी जो भी भारत आइकन अवार्ड्स इनको फ्रेंचाइजी इंटरनेशनली कुछ अगर उनके पास है वो इंटरनेशनली इंडिया को रिप्रेजेंट है. दोनों रोल निभा रही हूँ तो सच है क्योंकि आई हैव बीन ऑन द अदर साइड और कहीं जाकर मैंने अपने ड्रीम्स को फुलफिल नहीं किया था. तो जैसे मैंने कहा कि मैं चाहती हूँ और तो मुझे मिलेगा कॉन्फिडेंस वाला
वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है जब वो आते हैं स्टेज पर. जी नहीं, ये उनका लाइमलाइट है, उन्हीं को जी. लास्ट ईयर नवंबर में मुझे भारत आइकॉन अवार्ड मिला था एज बेस्ट मॉडल, और वहाँ हमारी बातचीत शुरू हो गई थी मिस्टर अखिल जी के साथ. और बिकॉज आई एम ऑलरेडी एसोसिएटेड विद सिखाना मुझे अच्छा लगा ये बात की. एंड आप जैसे हो वैसे ही आइए, बाकी का जो है ना वो मैं आप देख लीजिए. देख लो. थैंक यू. थैंक यू मैम. एक सेकंड पीछे थोड़ा सा. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you.